ठीक है, आरोप लगाने पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कानून नहीं है। जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, जिसके ऊपर जोर शोर का केस लग गया, उसके एफआईआर दर्ज होगी, उसको अंदर जेल में जाना होगा। घर में बेटी नहीं है, अपनी बेटी जैसे काम करे। मोदी भी गंदा इंसान है, वही ब्रिजभूषण की तरह ही। इस आंदोलन को भी ये गलत तरीके से ले रहे हैं। ऐसी बीजेपी डर दिखा रही है मीडिया को भी और सबको डर में रखना चाहती है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार बेटियों के समर्थन में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बेटियों को समर्थन दे रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं? सीकर से। तो क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार जो हठधर्मिता अपनाए बैठी है, जब पिछले दिनों किसान आंदोलन देश के अंदर चल रहा था, बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार उसी वक्त पूरे देश ये कह रहा था कि हमारी मांग सुनो, लेकिन जब देखा जा रहा था कि सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे और निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरीके से नौजवान की बात हो चाहे पहलवान की बात हो, जब संघर्षशील आंदोलन अगर चलता है तो सरकार निश्चित रूप से झुकती है और झुकाना देश की जनता को आता है। कब तक बैठे रहेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे? सरकार अपनी जो हठधर्मिता अपनाए बैठी है उसके खिलाफ मजबूती से संघर्ष जारी है। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, जीतेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए जिस तरीके से सरकार है, अगर जितने हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि समय रहते हमारी मांग को सुने, अन्यथा जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार पिछले अभी कर्नाटक चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जिस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा है उन्हें, इस तरीका का खामियाजा आने वाले चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो अलग स्टेट में जो चुनाव होने वाले उसमें उनको देखने को मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि जब ये महिला पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं तो आम महिलाओं की क्या दशा होगी? कुछ नहीं है, जो लोग हैं निश्चित रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई को जीतने का काम ये लोग करेंगे। सरकार चाहे कितनी भी हो, कितनी भी जिस तरीके से सरकार चुप्पी ताने साध दी है, चुप्पी साध के बैठी है, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और लोगों की जो स्थिति होती है, जिस तरीके से सरकार किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूर, गरीब सबके साथ जिस प्रकार से अन्याय कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़कर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सीकर से, राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ क्यों आना पड़ा, ऐसी कौन सी नौबत आ गई? हम महिलाओं के साथ हैं, हम उसको समर्थन करने के लिए आए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन महिलाओं के समर्थन में उतरने की जरूरत है जबकि देश में कानून है, न्याय व्यवस्था? अगर मेहनत कंटिन्यू करते रहेंगे सफलता जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। हाँ सर, बताइए कहाँ से आए हैं? जी मैं निजामुद्दीन से आया हूँ जी। तो कब से इस प्रदर्शन में आप आ रहे हैं? जी मैं संडे संडे आता हूँ और मैं बेटियों के हमारे समर्थन में आता हूँ। अजी मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अजी सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, ये सिर्फ बतौलेबाजी की सरकार है। अभी कहता मैं हिंदू सम्राट हूँ, अरे भाई जब यहाँ तो ये लड़की मुस्लिम थोड़े ही ना, आप इनका हल करो। ये सिर्फ बोल वचन दे के, जुमलेबाजी करके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। पूरे देश में नफरत फैला के रख दी बीजेपी पार्टी ने, हिंदुस्तान मुसलमान। कहाँ नफरत फैला दिया, बोलते हैं भारत की जनता सबसे खुशहाल जनता। अजी ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, आप दुबई जाओ, कतर जाओ, अमरीका जाओ, लंदन जाओ, कितना चिमा के नियम कानून है। देश जो आगे बढ़ेगा वो एजुकेशन से बढ़ेगा, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी ये मिले। है जी दादागिरी से, गुंडागर्दी से, है जी कोर्ट को धमकाओ, मीडिया को धमकाओ, इससे दादा देश चलता प्यार मोहब्बत से। कौन धमका रहा है? है जी बीजेपी डर दिखा रही है मीडिया को भी और सबको डर में रखना चाहती है। डर से सरकार नहीं चलेगी, देश चलेगा ये प्यार मोहब्बत से जी। तो क्या भारत में अब नफरत की राजनीति करी जा रही है? अब ये देश है नफरत को पसंद ही नहीं करता है, नफरत के बीज को ये उगल के फेंक देता है, ये नफरत के बीज को उगल के फेंक देता है। मोदी जी को अब जो बीजेपी पार्टी को अब लोग समझ चुके हैं, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान इसी के ऊपर वोट मांगते हैं। और जुमलेबाजी सरकार है कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल देखूंगा, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, है जी वो 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, और पता नहीं क्या क्या वादे कर रहे थे और कुछ भी नहीं, 0/0। यही पार्टी बीजेपी ही महिला सम्मान की बात करती है, क्या लग रहा है कि महिला सम्मान हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर महिला सम्मान होता ना तो अपने एक मंत्री को यहाँ भेजते, इनकी बातें सुनते हैं जी। ये सिर्फ जो है उसको जो है अपने ब्रजभूषण को बचा रहे हैं और कुछ नहीं है, ये अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। यूपी में 61 लोगों की जो क्रिमिनलों की लिस्ट निकली है, हम देखेंगे योगी जी का जो 56 इंच का सीना है वो उन पर बुलडोजर चलाते हैं नहीं चलाते हैं।
हो तो गया इस्तीफा ब्रजभूषण का, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब उसे जेल भेजो, जो इनकी मांग है खिलाड़ियों को जेल भेजो जी। तो क्या लग रहा है कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक ब्रजभूषण ये जेल नहीं जाएगा जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। कहाँ से आए आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी इन महानुभाव ने कहा कि क्या सिर्फ कुछ महिलाओं के डिमांड करने पे किसी को जेल भेज देना चाहिए, या कोई न्यायालय भी है, कोई पुलिस थाना भी है, कोई इंक्वायरी बॉडी भी है जिसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए किसी के खिलाफ अगर किसी। क्या आप ब्रजभूषण के समर्थन में? मैं पुरुष आयोग के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं अगर किसी पुरुष पे कोई झूठा आरोप लगाए तो एक गवर्नमेंट संस्था है, एक पुलिस डिपार्टमेंट है जहाँ पर, यानी कि आप चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी ना हो के अभी? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उस पर आरोप लगे हैं उसका निरीक्षण किया जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए, पूरी थोड़ा इंक्वायरी होगी तब देखा जाएगा कि ये वाकई में कसूरवार है। क्या ये बेटियां झूठ बोल रही हैं? किसी के आरोप लगाने पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कानून नहीं है। जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, जिसके ऊपर जोर शोर का केस लग गया उसका एफआईआर दर्ज होगी, उसको अंदर जेल में जाना होगा। आप क्या बातें कर रहे हैं यार? आप उसको गिरफ्तार करो, आप उसको गिरफ्तार करो, गलत काम कर रहे हो आप। कह रहे हैं कि बच्चों के साथ खराब, अगर एफआईआर ये हुई है तो उसको गिरफ्तार करो, लेकिन सजा नहीं मिल सकती जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक केस नहीं जाएगा सजा नहीं मिल सकती। सजा कोर्ट दे, कोर्ट का काम है, इनका काम नहीं सजा देना। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैडम ऐसा है, पोक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, तो जो पहले जो कंप्लेंट्स हुई हैं, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज हुई है। अरे हम किसी के गुर्गे नहीं है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? हम ये कहते हैं ब्रजभूषण को अब जल्द से गिरफ्तार करना चाहिए, उसको मंत्री पास हटाना चाहिए। हक नहीं है जो बेटियों के साथ ऐसे खिलवाड़ करता है, ये को आदमियों वाला काम है, हवान काम है, उसका घर में बेटी नहीं है, अपनी बेटी जैसे काम करे। और कोई भी यहाँ के गलत मीडिया के सामने गलत बयान देता है, हम उसका कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसमें हिम्मत हमारे सामने आके बात करे, ये कौन सा तरीका है यार? एक आदमी गलत को गलत नहीं करे, दूसरे को परमिशन दे रहे हैं। जो ऐसा काम करेगा यहाँ से चला जाए, बेवर का नहीं करके हम किसी की बात के अंदर किसी को नहीं सुनने देंगे। ये बेटियों का सवाल है, भारत का गोल्ड मेडल लेके आए वर्ल्ड में, अरे उनके ऊपर ये सवाल ठहरे बोलते हैं, ये नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं, उसका कैद करना चाहिए उसी टाइम, उसका हक बढ़ता है हमारा। ऐसे ऐसे कानून पे भरोसा नहीं है? कानून तो क्या कानून कर रहा है, एक बेटियों की इज्जत का सवाल है, कानून को आग लगाए हम इनका, कानून तो इनके है, हमारा को कानून है? हम तो रोड पर बैठे, इधर फौजी बैठे हैं वो भी रोड पर बैठे हैं, किसान बैठे हैं, विधवा जो हमारी बच्चियां पहलवान वो बैठी हैं। अगर कानून होता ब्रजभूषण अंदर होता, कभी का गिरफ्तार किया होता उसको, तो कानून तो है ही नहीं इस देश में अपने में। मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या? कोई भरोसा नहीं मोदी भाई, कानून है ही नहीं, भरोसा क्या है? कहाँ है कानून? ये कानून है, पॉक्सो एक्ट लगाओ किसी पे, यहाँ किसी आम व्यक्ति पे, नागरिक पे, उसके परिवार को पुलिस उठा लेगी। और एक वो ओलंपिक में जीते हुए बच्चे वो आरोप लगा रहे हैं, और उनके आरोपों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ है कानून? सुनवाई तो, और ये कमेटी बैठ गई, इस्तीफा हो गया, क्यों कमेटी ही बैठती है क्या? एफआईआर दर्ज होती है तो कमेटी ही बैठती है क्या? हर जगह कमेटियां बैठती है, हर जगह कमेटियां बैठती है क्या? ये कानून है, हर आदमी को देख कर कानून बनाओगे? अभी वो आए थे, देखिए ब्रजभूषण के समर्थन में कह रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया जारी है, इनको हटा लेना चाहिए धरना। क्यों उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? पहले उसको गिरफ्तार करो, बाद में उसकी जांच करो। इतना बड़ा गुंडा है वो बदल देगा, कमेटियां तो है, उसी की कमेटियां है सारी, कोई कमेटी नहीं, कोई कानून नहीं, उसको गिरफ्तार करो। लोकतंत्र है भारत में, कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र है, कहाँ है? किसान किसी गरीब की बेटी होती वो लोकतंत्र तब कहाँ था? एक मिनट में पुलिस जा गए उसको उठा लेते, वो तो एक होगा कानून, तो इसके लिए अलग कानून है। न्याय प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, पर ये कमेटी तो सारी इनकी अपनी है, पकड़ो ना उनको, इनकी अपनी है। अड़तीस मुकदमे है, स्टीसीटर है, स्टीसीटर को जहाँ लड़कियों का महिलाओं का सब कंसर्न हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या खेल संस्थान हो, उसमें स्टीसीटर होना चाहिए, दागी छवि का आदमी होना चाहिए क्या वहाँ? वहाँ तो बिल्कुल मोदी जी कहते हैं कि हमारी बेटियाँ मोदी को, मोदी छोड़ो मोदी को, मोदी की बेटियाँ यहाँ पर धर्म क्यों बैठी यहाँ पर आगे?
मोदी की बेटी है, अगर न्याय करता मोदी तो अंदर होता उसके बाद में जो मोदी का मंत्री है उसको बचा रहे हो। मोदी की बेटी होती तो यहाँ बैठे 15 अगस्त को मोदी ये कह रहा था महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और उसी दिन बिल किसानों के जो रेप के वो थे सजा याफ्ता उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गुजरात में। तो मोदी की बेटी कहाँ है? मोदी के पास नहीं है तो बेटी कहाँ से आ गई? उसकी देश के लिए छोड़ दिया परिवार। किसने? कोई छोड़ा छाड़ा नहीं है, कोई छोड़ा छाड़ा नहीं है। मोदी भी गंदा इंसान है, वही ब्रिज भूषण की तरह ही है। मैं सही बोल रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। मोदी भी कम नहीं है, सारे के पजामे उतरेंगे जब जेल में जाएगा ब्रिज भूषण। प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अन्याय करते हैं, अन्याय है हमारी बेटियों को, न्याय सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे उसमें नहीं बोलेगा। मोदी का सम्मान करते हैं, हमारे न्याय दे दे। हम तो थोड़ा है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है, देश नहीं है। मोदी का भी पजामा उतरेगा, कच्छा भी उतरेगा। आप ऐसे असंवैधानिक शब्द बोल रहे हैं। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री करा कितने कायर करा। रुक जा रुक जा। प्रधानमंत्री करा कितने कायर करा कितने कहोगे? ये देश है ना, ये देश रहेगा। मोदी देश नहीं है। आलोचना से प्रधानमंत्री का पद ऊपर नहीं है। यहाँ एक एक वो बना लिया भाई, मोदी की आलोचना करना है ना वो देश विरोधी, देश का विरोध करना है। मोदी की वजह से विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी कर्नाटक में हार गया तड़का तड़का, ये पार्लियामेंट के चुनाव में भी हार गया, फिर मोदी के रखा तड़का तड़का सेंटर में भी हार गया मोदी। तो मोदी कोई आलोचना से ऊपर थोड़ा है। प्रजातंत्र किस बात का नाम है? मोदी को ताना शाह है क्या? कोई बोल लगा उसने फांसी चला दोगे? कहाँ से आए? मैं हरियाणा अम्बाड़ा से आया हूँ। अभी कहा है मोदी की वजह से विदेशों में डंका बज रहा है। अब ये हमारे इंटरनेशनल बेटियां बैठी हुई हैं, जो देश की बदनामी मोदी ने बीजेपी सरकार ने कराई है। हमारे खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा भी करवाया जाए, उस बाहुबली का भी कराया जाए। तो क्यों बच रही है बीजेपी सरकार? क्या चाहती है मोदी सरकार? ये सीधा सीधा मोदी सरकार बचाने का काम कर रही है उस बाहुबली को। ये झुकने, हम अपनी बेटियों को झुकने नहीं। इस्तीफा तो हो गया, आप क्या चाहते हैं? इस्तीफा देने से क्या बात बन जाएगी? अभी वो सांसद में है, जेल होनी चाहिए उसको। जब पोक्सो एक्ट में कोई गरीब की बेटी होती, आप होती है, मेरी बहन होती, तो वो 2 दिन के अंदर जेल में चला जाता, क्योंकि वो एक सांसद है, एक बाहुबली है, और बीजेपी सरकार का संरक्षण तभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी कहती है महिला सम्मान में भाजपा मैदान में। महिला सम्मान तो हो रहा है, बेटियां पहले किसान आंदोलन में देखो, अब ये हमारी पहलवान बैठी है। नंबर सबका आएगा पर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। कहीं खिलाड़ी बैठे हैं, कहीं कर्मचारी बैठे हैं, कभी किसान बैठे हैं, कभी मजदूर बैठे हैं। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। तो क्या लग रहा है कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये भरत भूषण जेल नहीं जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ, हम नहीं हटने वाले। आपके इसके माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं किसान यूनियन की तरफ से भी, ठीक है ना। अगर जिस दिन हमको ऑर्डर मिल गया कि रोड जाम कर लें, कुछ भी कर लें, पूरे देश में आंदोलन फैल जाएगा। अभी बीजेपी के पास मौका है, संभाल ले इसको, अंदर कर दे। क्यों नहीं अंदर डालती इसको? क्यों नहीं डालती? बीजेपी जो है न्याय के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में FIR दर्ज हो चुका है, तो कार्रवाई हो रही है ना। अगर आम जनता होती ना, उसको कब के अंदर डाल देते। मोदी सरकार इसके बचाव में है। हम ऐसे ही तो ब्रजभूषण थोड़ी 6-6 बार के सांसद रह चुके हैं। 6-6 बार का सांसद है, उसको ये बलात्कार करने का, यौन शोषण करने का अधिकार थोड़ी मिल गया है। अगर MLA MP जीत के समझ ले, जो मर्जी करे। जनता पसंद करती थी ब्रजभूषण को। जनता तो जैसे कैसे पसंद करती थी, वहां बढ़ता है जहाँ से जी जीत के आता है। क्या वो धक्का शाही कर रहे हो? न्याय ना होने देते हो? अब ये थोड़ी है, अभी MP बन गया। पोक्सो एक्ट में गरीब के लिए अलग कानून है, MP के लिए अलग कानून है। संविधान के अनुसार देश चलता है। क्या कह रहे हैं? MP भी बन गया तो लाइसेंस मिल गया किसी को भी छेड़ने का, किसी पर रेप करने का, या किसी को मारने का। वो खुद TV पे बोला किसका मर्डर किया आपने। तो हमारा महिला लोग बैठा है, बच्चे लोग बैठा है, उनको कोई सपोर्ट कर आना मांगता है? अब बहुत लोग, हम वही गोवा से अभी 4 दिन से इधर ही हूँ, अभी और 2 दिन है, 2 दिन के बाद जाएगा, लेकिन उसको तो पहला रिजाइन होना मांगते है। कह रहे हैं कि सिर्फ जाट कम्युनिटी ही यहाँ पे बैठी हुई है, और लोग क्यों नहीं समर्थन कर रहे? जो पहलवान होता है वो जातिवाद का नहीं होता। यहाँ पे जाट भी पहलवान है, यादव भी पहलवान, हर एक बिरादरी का पहलवान होता है, जबकि देश के सम्मान के लिए लड़ता है। जब तिरंगा विश्व में चमकाता है, यही पहलवान चमकाते हैं, तब तो जातिवाद याद नहीं आता। अब ये इन्होंने जैसे किसान आंदोलन में उसका एक क्षेत्र का एक जातिवाद का बताने की कोशिश की, इस आंदोलन को भी ये गलत तरीके से ले रहे हैं। बीजेपी सरकार को सीधी चेतावनी है, अभी आंदोलन
निबट सकता है वो उसकी गिरफ्तारी से ब्रिजभूषण की। अगर इसमें देरी की पूरा हरियाणा पूरा भारत जाम होते देर नहीं लगेगी। तो आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे होंगे जंतर मंतर की ये तस्वीर है, ये किसान अपनी बेटी के समर्थन में मोदी सरकार। आपने ये बात बोली है इसमें सिर्फ जाट है, जाट पाकिस्तान से आया क्या? जाट इन दुनिया क्या? जाट भी तो हिंदू है। वही तो आरोप ब्रजभूषण का, सिर्फ महिलाएं आरोप लगा रही है उनके ऊपर, गलत आरोप लगा रही है। अगर यौन शोषण किया है तो और लोग क्यों नहीं आ रहे? जिस दिन ने मेडल लेकर उस दिन नहीं जाट थे क्या? उस दिन झंडा किसका चेक था? जाट का चेक था, इसका चेक था। महिलाओं ने एक बात बोली है, नाल को टेस्ट करवाया जाए। अगर पहलवान झूठे हैं तो हम ब्रजभूषण के साथ खड़ेंगे। तब नाल को टेस्ट क्यों नहीं करवा रही है बीजेपी सरकार? ब्रजभूषण का भी करवाया जाए, हमारे पहलवानों का भी कराया जाए, दूध का दूध, सच्चाई देश के सामने होगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये लोग नार्को टेस्ट तक की बात कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।